तो कैसे हैं आज 26 अप्रैल 2019 है और मैं आपको अभी जो अपडेट लेके आया निफ्टी और थोड़ी देर के बाद बैंक निफ्टी दोनों पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे अपडेट अभी दे देता हूँ। ये वीकली एक्सपायरी के लिए व्यू से समझिए लेकिन अब मंथली व्यू भी आप इस पे आपको दे देता हूँ। दोनों व्यू आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए। अभी यहाँ पे एक बार तो देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन दोनों में आपको ऊपर की ओर पोजीशन पुट की ओर जब बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट अपने एक्सट्रीम को निफ्टी के केस में हो सकता है कि निफ्टी एक बार वापस 11900 की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा मंथली बेसिस पे, लेकिन बहुत बड़ा रेसिस्टेंस इसको भी 11800 पे क्रॉस करने पे भी है। पहले तो 11800 क्रॉस करने में इसकी हालत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक रेंज और दायरे में कुछ दिन के लिए आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आने के पहले मार्केट हो सकता है एक बार आपको निफ्टी में नीचे की ओर और बैंक निफ्टी में भी नीचे की ओर आपको दिखाए, तो कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं होगी। इसलिए आज जहां बैंक निफ्टी 30,000 की ओर गया हुआ है, हो सकता है 30,300 तक वापस जाए, इंडिया विक्स में कमजोरी है तो वहां से जाते हुए फिर वापस ये नीचे की ओर आएगी। तो पहले निफ्टी की ओर एक बार देख लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। आज निफ्टी देखेंगे जो क्लोजिंग हुई 26 अप्रैल, अप्रैल का सीरीज खत्म होता है और यहाँ पे 11754 पॉइंट से वो क्लोजिंग देता है, 112 पॉइंट का प्लस पॉइंट पे है। 33 एडवांस है, 16 डिक्लाइन है। जो एडवांसेस देख के लग रहा है इंडेक्स ज़्यादा बढ़त है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, और चूंकि ये वीकली जो है क्लोजिंग हुआ है प्लस में, तो मंडे भी आपको प्लस में ही रहेगा, ये अभी निगेटिव नहीं जाएगा मंडे। ट्यूजडे को आपको सेकेंड हाफ में हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है, तो मंडे भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, 11800 की ओर जा सकता है, लेकिन 11800 में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है तो उसको क्रॉस भी करेगा ऐसा भी नहीं दिखता है। जो बढ़ने वाले गेनर है वो टाटा स्टील, बीपीसीएल, आईसीएल बैंक, गेल और जेएसडब्ल्यू। टाटा स्टील भी देखिए मेटल अच्छा चल रहा है और मेटल में इसने 543 तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये 540-545 पर बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, 560 की ओर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। लूजर में टाटा मोटर्स, आप इसको टाटा मोटर्स को लोअर में जाए तो आप बाइंग पोजीशन बनाइए, हो गया जो इसमें होना था, जो गिरना था, अब ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है 350 का टारगेट के लिए। आप इसको आपको 7-1.5 साल का होल्ड करना है, ये 350 का टारगेट आपको प्लस में दिखा देगा। ग्रासिन, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा वैन लूजर के रूप में आज की क्लोजिंग है। अगर FI की बात करो तो अब FI ने यहाँ से बेचना चालू कर दिया है, आपको पहला हिंट मिल गया। जब FI बाइंग करने आए थे तो वहां से तेजी चालू हुई थी और अब FI ने चालू कर दिया सेलिंग, तो आपको हिंट मिल चुका है यहां से अब FI अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उनको जो पोजीशन बनाना था लगभग बना लिया। और बाइंग कौन किया है, तो DI ने बाइंग की है 920 करोड़ की। चूंकि इलेक्शन है तो मार्केट को गिरने नहीं देगा DI, वहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर प्लेयर जो भी है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसको खेलते रहेंगे। तो आप देखेंगे आज FI ने जो एक्टिविटी चालू की है, यहाँ से क्लैरिटी आ रही है कि अब शायद आपको बिकवाली चालू हो तो कोई बड़ी बात नहीं। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में आप देखेंगे निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 ने अच्छा काम किया है, और निफ्टी जो सबसे ज़्यादा लूजर के रूप में रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी मिडिल 400 है और मिड कैप है। इंडिया विक्स देखें तो 6 पॉइंट से गिरा है और इसके कारण 6% गिरा है, इसके कारण ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको मार्केट निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ा है। निफ्टी बैंक में पॉजिटिव में काम किया, अच्छा काम किया, और निफ्टी ऑटो में थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिला और निफ्टी FMCG में भी बढ़ाता है, निफ्टी IT भी बढ़ाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो आगे बढ़ेगा, अभी जब मार्केट गिरेगा तो आपको सबसे अच्छा जो परफॉर्म करते हुए दिख सकता है वो निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे लगता है निफ्टी फार्मा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो निफ्टी फार्मा पे आप चाहें तो अपना व्यू देख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये था एज ए इंडेक्स कौन सा अप डाउन रहा। अगर आप एक बार जाकर के निफ्टी के शेयर को देखें तो जो बताया था एडवांस थे, 33 डिक्लाइन 16 है, तो उसमें टाटा स्टील लास्ट ओपन 520 पे होके हाई बनाए 547 का, 547 पे ही क्लोजिंग दिया है, मतलब अभी भी बुलिश पैटर्न इसमें चालू है और आपको रहेगा। BPCL देखें 357 में ओपन हुआ, 372 का हाई बनाया और ये भी 372 की और ही क्लोजिंग दिया, हाई की और क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे भी अच्छा पैटर्न देखने को आपको BPCL में भी मिलेगा।
आईसीआईसी भी हाई की ओर क्लोजिंग दिया है, ये भी अच्छा है। गेल भी हाई की ओर क्लोजिंग दिया है, ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ये सब हो सकते हैं कि आगे मंडे को भी आपको परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। जो सबसे बड़े नॉन परफॉर्मर है टाटा मोटर्स, अपना लो जो 214 बनाया उसी लो की ओर क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है 210 205 की ओर जाते हुए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ग्रासिंग 13 पॉइंट से आपको यहाँ पे शॉर्ट किया है, लेकिन 898 का लो बनाया है लेकिन 900 के प्लस में क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ा उतना फॉल होने का चांस नहीं है। बजाज ऑटो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लो 30 का बनाया वहीं पे है। 2875 के बाद डॉक्टर रेड्डी में थोड़ा सा संभलता हुआ दिखा, महिंद्रा भी संभलता हुआ दिखा। मारुति यहाँ से 6500 की ओर जाएगा, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं। और अगर निफ्टी में भी फॉल देखना है तो मारुति 6500 का भी लेवल ब्रीच कर सकता है, क्योंकि बहुत ये दोबारा ऐसा हुआ है जब ये 6700 की ओर दिखाया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ये दो बार दिखा चुका है। तो मारुति कहीं ना कहीं वीक है, हो सकता है आपको अगर ये 6500 और 6500 टूटता है तो 6000 की ओर जाते, 6400 6300 6250 की ओर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो मारुति में अब थोड़ा कमजोरी है, हो सकता है आपको लोअर लेवल पे बाय करना है, आपको लोअर लेवल पे छोड़ना नहीं है। और अगर निफ्टी 50 की बात कर लें, टोटल एक बार निफ्टी 50 की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो वन वीक का बात कर लें या वन मंथ का बात कर, वन मंथ पूरा खत्म हो गया, एक बार वन मंथ की बात करें तो टाटा मोटर 26% का गेनर रहा, लेकिन वन वीक में आपको यहाँ पे लूजर रहा और डेली बेसिस पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 18% का गेनर, वन वीक में भी अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पे थोड़ा सा सुस्ती हुआ है। विप्रो 15% का गेनर, 3% का थोड़ा सा यहाँ विप्रो आपको दिख रहा है। TCS कंप्लीट बाई हो रहा है, बजाज फिंजर कंप्लीट बाइंग चल रहा है। ग्रासिम में यहाँ पे आकर के डेली बेसिस पे आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। तो आज जिस शेयर पे एक्चुअली में सबसे अच्छा परफॉर्म हुआ है, अब चाहे टाटा स्टील हो 6% का, भारत पेट्रोलियम, गेल, आप इस पे कंटिन्यू ध्यान दे जा सकते हैं, JSW स्टील, एक्सिस बैंक, हिंदाल्को। और जहाँ आज आपको फॉल देखने को मिल रही है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डी और मारुति में देखिए कंटिन्यूस 4% क्या है फॉल ही दिख रहा है यहाँ से, तो मारुति में और भी नीचे जाने की गुंजाइश है। महिंद्रा नीचे जाने का पूरा गुंजाइश है। कोल इंडिया न्यूट्रल रह सकता है, वेदांता हो सकता है कि और अपने लेवल से नीचे जाए, और पावर ग्रिड भी नीचे जा सकता है। आइसर मोटर नीचे की ओर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, नीचे की ओर ये भी निगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ब्रिटानिया में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो परफॉर्मेंस के रूप में आप इस सब शेयर को देख सकते हैं, यहाँ पे सारे का परफॉर्मेंस है, निफ्टी 50 के सारे का परफॉर्मेंस है, चाहे मंथली बेसिस पे लें चाहे आप इसको डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करें। जो वीकली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है वो अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ऑयल, और जो लूजर के रूप में रहे हैं भारतीय इंफ्राटेल, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी, इंडिया बुल लूजर के रूप में था, लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा सरप्राइज इसने ऊपर की ओर दिया है, वो अप लिया है। यस बैंक भी थोड़ा सा अच्छा चला है रिजल्ट के बावजूद भी, इसमें जो आप देखेंगे थोड़ा सा अच्छे खासा है, तो ये हो सकता है 260 की ओर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अगर टेक्निकल पैटर्न में एक बार देख भी लें कि सारे में कहाँ से क्या बाय है, क्या सेल है, आवरली बेसिस पे देख लें इसको, तो आप देखेंगे SBI आवरली बेसिस पे, SBI, हिंदुस्तान, रिलायंस, एक्सिस, टेक महिंद्रा, इन सबों पे बाय है। और जो सेल है वो पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, यस बैंक पे शायद लास्ट आवर्स पे पूरा प्रॉफिट बुकिंग है, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, भारतीय, सब पे सेल का रिकमेंडेशन है। ये तो एक हो गया निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में और एक चीज़ ये जानना था कि निफ्टी आप देखेंगे, एक चीज़ ये बैंक निफ्टी में जब जाऊंगा तो मैं इस चीज़ को वापस चर्चा करूंगा कि जब ये 11000 के लेवल को क्रॉस किया था तो इसने 5 अटेम्प्ट्स लिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और सिक्स अटेम्प्ट के बाद ये 11000 का तोड़ा था और ये ऊपर की ओर 11200-11500 की ओर जाते हुए 11700 की ओर गया था। नो डाउट जब ये 11000 तोड़ेगा तो वापस ये नीचे की ओर जाएगा, तो 11000 पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको टूटना था नहीं, जो 6 टाइम कोशिश करके ऊपर गया है, तो 11000 ये टूटने वाला इतना ईजी तो नहीं है 11000 तोड़ना, तो 11000 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में रहेगा आपको निफ्टी। अगर कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ से एक इंडिसिसिव कैंडल पैटर्न बन रहा था और ये यहाँ से फिर फॉल कर रहा, फॉल के बाद फिर वापस थोड़ा सा हुआ, तो हो सकता है कि ये यहाँ के 11800 की ओर जाते हुए आपको दिखे, लेकिन 11800 क्रॉस करते हुए नहीं दिखेगा आपको, 11800 क्रॉस करना इतना ईजी भी नहीं है।
अब अगर प्राइस वॉल्यूम को देखने की कोशिश करें तो यहाँ से ये यहाँ पे जब क्लोजिंग दिया इस कैंडल को, मतलब 24/4 अप्रैल को जब क्लोजिंग दिया, तो आप देखिए यहीं पे ओपन हुआ, नीचे की ओर क्लोजिंग हुआ। अब आज जो हुआ इससे ऊपर खुला और ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया, ऊपर गया और ऊपर की ओर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो इस ये कंटिन्यूस, लेकिन ये 11800 जो ऊपर है, ऊपर की ओर 11800 है, वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है वहाँ से रेजिस्टेंस मिले और वापस ये नीचे की ओर आपको आए, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है 11800 पे जाकर के, या बहुत से बहुत 11850 लगता नहीं है, फिर भी 11800-11850 से हो सकता है यहाँ पे। लेकिन मंडे को जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। एक बार निफ्टी बैंक में जब एक चीज़ और यहाँ पे जब डेरिवेटिव में भी जाकर के एक बार देखने की कोशिश करें तो 11754 पे जब जाकर के हम देखेंगे तो ग्यारह सात सौ चौवन पे क्लोजिंग हुआ है, 2 मई की एक्सपायरी है। ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है। तो एट द मनी क्या हुआ, 11754 पे जाएंगे तो 11750 का एट द मनी देखते हैं। एट द मनी पे क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे 1,71,000 से 750 पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है 11750 पे, और 4,11,000 का क्यूमुलेटिव है। उससे ज़्यादा सरप्राइज क्या है, 11700 पे जस्ट 50 पॉइंट ऊपर 10,29,000 से करंट से और क्यूमुलेटिव 19,99,000 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और आज के दिन में 10,29,000 से शॉर्ट किया जा रहा था 11700 पे, तो 11700 पे अच्छा सपोर्ट है। इसको ऊपर की ओर जाने की कोशिश देखिए क्या करते हैं 11750 पे, तो यहाँ देखेंगे 24,000 से पोजीशन बन रहा है और यहाँ पे ऊपर की ओर 2,93,000 से पोजीशन बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 19,33,000 का रेसिस्टेंस है, बट पोजिशन ऊपर की ओर देखें 11400 आज का जो पोजीशन देखें 405 11850 पे बना है। आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको 11800 19,33,000 का यहाँ पे रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, लेकिन प्राइस एक्शन है, बाइंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 11900 तक पे यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है, पर जो प्राइस एक्शन में देखेंगे सबसे ज़्यादा 11800 पे 5 पॉइंट का इजाफा है, और आईबी भी देखेंगे तो 3 पॉइंट बिलो 10 और बहुत नीचे है, 3, 5, 5, 6, 6 है। तो इतने आईबी से एचीवेबल है कि ऊपर की ओर नीचे ही आपको चला जाए, ऊपर की ओर चला जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको 11900 पे भी देखेंगे यहाँ पे बाइंग हो रही है 2,79,000 से, और यहाँ पे भी 10,57,000 का, और 12 लाख पे भी 10,16,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो जहाँ नीचे की ओर 11700 पे 19 लाख का, 11600 पे 17 लाख का शॉर्ट करके पोजीशन, मतलब शॉर्ट किया जाना, मतलब मार्केट ऊपर की ओर जाने की चांसेस है। लेकिन 11 प्राइस एक्शन से जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ 15 पैसे का चेंज है 11900 पे, 11850 पे सिर्फ 2.25 रुपये का। कहीं ना कहीं 11800 पे 850 पे जाते जाते इसको टफनेस मिलेगा। तो ये आपको 11800 810 820 तक जाएगा और वापस आपको ये नीचे की ओर जाएगा 11750 और 11700 पे जाके सपोर्ट लेगा। तो अगर ये 11810 पे जाता है तो आपको 11700 का पुट, अगर आप इसको देखेंगे पुट की ओर जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जो कि आपको रहेगा आज 27 रुपये में दिखा रहा है, हो सकता है उस दिन 10 रुपये के आसपास 9 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। ये 75 का लॉट होता है तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। बट मंडे के लिए ये 11800 की ओर जा सकता है और जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। और अगर 2 मई का कॉल 11800 का देखें तो आप देखेंगे 1,50,000 पे बाइंग क्वांटिटी खड़ी है 11800 पे ही देख लें अभी, और 5,26,000 तो सेलर खड़े हैं। तो सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब ऊपर की ओर 11800 में भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है। लो 10 का है, हाई 28 का है, और ऊपर से फॉल करके 20 पे गिरा है। तो 11800 की कॉल की और उतनी अच्छी पोजीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको रेसिस्टेंस मिल सकता है। 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे खड़ा है, 19,33,000 का। तो 11800 पे इसलिए प्राइस सेक्शन सिर्फ 5 रुपये का हो रहा है। तो ऊपर की ओर मार्केट तो जा रहा है, प्राइस नहीं मिल रहा आपको। तो ये इसका मतलब दर्शा रहा है मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना चार्ट पे ये अपने आप को दर्शाने की कोशिश करता है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जब इतना अप जा रहा था थोड़े से प्राइस से, तो ये यहाँ पे कैंडल की प्राइस की पैटर्न जो है स्ट्रांग बनी, यहाँ पे अप लिया, यहाँ पे भी कोई वॉल्यूम यहाँ पे दर्शा नहीं रहा है, और यहाँ से अपसाइड ले लिया है तो वॉल्यूम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन पे वॉल्यूम दिख नहीं रहा है।
तो प्राइस एक्शन सिर्फ ऊपर की ओर लिया है, तो ये मेरे अंदाज से सिर्फ एक डमी है, और हो सकता है कि ये ऊपर की ओर और जाए और 11800 की ओर ऊपर जाए, तो को क्योंकि इसको कवर करके ऊपर की ओर लिया है तो 11800 तक जा सकता है। अगर इसको एक बार हम इसको बोलिंगर बैंड्स में भी देखने की कोशिश करें तो ये अगर डेली बेसिस पे देखें 11781 तक जा सकता है, कोई बराबर नहीं है, लेकिन आवर्ली बेसिस पे भी देख लेना चाहिए इसको, तो 11803 बता रहा है, ये यहाँ से उठा है, और इसको आपको जो सपोर्ट 11707 नीचे 11707 पे सपोर्ट मिल जाएगा इसको, और ऊपर जो है 11803 तक ये जा सकता है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं मंडे के लिए बाइंग हो सकती है, प्राइस एक्शन हो सकता है। आवर्ली बेसिस पे भी देखेंगे तो आवर्ली बेसिस पे प्राइस ऊपर की ओर है, और यहाँ पे चूंकि इसकी पूरी स्ट्रक्चर बॉडी में भरी हुई है, लेकिन जिस वॉल्यूम के साथ शो करा उससे प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो आवर्ली बेसिस पे ये देखिए, ये जो है यहाँ पे अच्छा प्राइस बताता है, चाहे ये फॉल का, ये आपका बाई का है और ये फॉल का है, बट ऐसे जो प्राइस एक्शन होते हैं यहाँ पे जहाँ पे जिस ज़्यादा आपको इसको ये मिले स्टिक मिले, तो उस केस में वहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल ज़्यादा होता है, प्राइस को केवल ऊपर की ओर धकेला जाता है, अंदर अपवर्ड ले जाने का एक शोबाजी हो रहा है, मार्केट 11800 सिर्फ वापस नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो कॉल की ओर पोजीशन नहीं बनाए, तो आपकी हवा जो है पुट की ओर है, तो आपको जिस और हो हवा हो उसकी और पोजीशन बनानी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं पुट की ओर पोजीशन निफ्टी में बनानी चाहिए, देखनी चाहिए, या मार्केट में नहीं भी कुछ करें तो चलेगा, क्योंकि विक्स जैसा चल रहा है, अगर आप विक्स देखें तो विक्स बहुत ही वोलेटिलिटी दिख रहा है। अभी जैसे विक्स ये तोड़ करके आवर्ली बेसिस पे नीचे जा रहा है, और डेली बेसिस पे आप ऊपर देखें तो डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो ये एक यहाँ से आपको अच्छा खासा तोड़ा, और कहीं ना कहीं विक्स 20 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा, और ये हैमर पैटर्न है, तो जब ये नीचे जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, जस्ट उल्टा चलता है इसका। तो आप देख रहे हैं ये नीचे गिरा, आज अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा, कल ही दर्शा दिया था ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ से ड्रॉप हुआ था, आज ये नीचे गिरा और यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ पे भी अभी नीचे की ओर ही पैटर्न है, धकेलने का पैटर्न यहाँ पे बड़ी ज़्यादा है और स्टैक ऊपर की ओर है, हैमर पैटर्न है, तो ये नीचे जाएगा, 20 तक जा सकता है, 20.59 तक, एग्जैक्ट 20 तक मान लीजिए, तो वहाँ से आपको ऊपर सात निफ्टी जो है ऊपर की ओर अगर जा करके आपको दिखाए निफ्टी, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं 11754 पे है, 11810 इतना आपको दिखाए तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, हो सकता है दिखा दे आपको। तो निफ्टी पे आपको थोड़ा सा अपसाइड भी खेलना है तो आप स्ट्रिक्टली 11700 का आज का जो यहाँ का आप निफ्टी का जो इसका लो होगा, आज का जो लो है आप चाहें तो उसको लगा करके आप रहें इसमें, लो नहीं भी अगर देखते तो निफ्टी 50 का जो आज का देखेंगे ओपन हुआ 11683 पे, हाई 11762 का बनाया, लो 11661 का बनाया, तो आप 11700 का भी लो अगर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो 11700 के स्टॉप लॉस के साथ भी ऊपर की ओर चाहें तो पोजीशन में रह सकते हैं, बट स्टॉप लॉस 11700 का बना है, और अगर निफ्टी 11900 तोड़ता है तो फिर वो 12000 के लिए तैयार हो जाएगा, इनफैक्ट 850 के बाद हो सकता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से ऊपर की ओर जाते दिखे आपको, तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, लेकिन मुझे निफ्टी में अभी इतना जल्दी ऊपर जाते कि और शायद नहीं दिखता है, जाएगा, हो सकता है जाएगा 12000 की ओर, लेकिन अभी तुरंत जाते हुए दिखता हुआ नहीं दिखता है, इसको रेसिस्टेंस मिलेगा और रेसिस्टेंस मिलते हुए ऊपर की ओर जाए तो जा सकता है। अभी यहाँ बहुत से बहुत ये 11859 वहाँ से रिटर्न आपको वापस ये दे देगा। तो निफ्टी पे मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन आप लोग के लिए नहीं है, निफ्टी पे कोई भी पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, अब ये सिर्फ ओपिनियन था, व्यू था मेरा कि निफ्टी मंडे ऊपर जा सकता है बट नीचे की ओर संभावना है, रेंज बाउंड में भी रह सकता है, पूरा वीक इन पूरा वीक नहीं निकालेगा, आगे मैं आपको बता दूंगा जैसा पैटर्न बनेगा, लेकिन ये मंडे को ऊपर और ट्यूसडे को नीचे जाने का पूरा चांस है, ट्यूसडे और वेडनेसडे नीचे रह सकता है, फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है कि रिजल्ट कुछ इलेक्शन होंगे तो मंडे को उसका फिर इफेक्ट आएगा तो ऊपर की ओर भी जा सकता है, या कितना फॉल करता है नीचे वो इंपॉर्टेंट है। 11500 और 11600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 11700 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये दोनों लेवल आपको यहाँ से भी देखने को मिल गया आपको निफ्टी पे, निफ्टी का जब पोजिशन देख रहे थे हम तो आप यहाँ पे भी और डेरिवेटिव में भी देखा कि आपने 17 लाख का 11600 पे और 11700 पे 20 लाख का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत ऐसा पोजीशन दिख रहा है कि उससे नीचे जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।